चंडीगढ़ के सेक्टर 34 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 50 बेड के लिए नए कोविड सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। चंडीगढ़ में ये 8वां ऐसा कोविड सेंटर है। इस कोविड सेंटर का उद्घाटन एडवाइजर मनोज परिदा ने किया। आपको बता दें, ये कोविड सेंटर कंधारी बीवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें कोविड मरीजों की सहूलियतों को देखते हुए सभी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। उनके खाने पीने से लेकर ऑक्सीजन के साथ साथ सभी सुविधाएं कोविड मरीजों को यहां पर मिलेंगी। इस समय देश में ये कोरोना का जो बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, इस कोरोना को हराने के लिए अगर हम सिविलियन पब्लिक और सरकार के साथ दोनों इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो हम कोरोना के जल्दी मुक्त पा सकते हैं। इसलिए हमारी कंपनी ने ये निर्णय लिया कि हम कोविड केयर सेंटर चंडीगढ़ में खड़ा करें, हम मानव जात की सेवा कर सकें। यहाँ में पानी से लेकर दवाई, खाना, ऑक्सीजन, हर चीज़ की फैसिलिटी दी जाएगी। इस समय 45 बेड अंदर लगे हुए हैं, 5 और पड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम 40 बेड और सेंटर में जो जगह खाली पड़ी है वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे वो गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक जो है वो हम उसकी हदायत के मुताबिक चलेंगे। एडवाइजर मनोज परिदा ने बताया कि इस महामारी में सरकार अपने दम पर ये सब इंतजाम नहीं कर सकती थी, जिसके चलते उन्होंने सभी सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ से अपील की थी, जिसके बाद कंधारी बीवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इस कोविड सेंटर की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए वो उनका आभार व्यक्त करते हैं। आश्चर्य की घटना है कि इतना ट्रेमेंडस रेस्पॉन्स हमें मिला। चंडीगढ़ के अलावा और कोई शहर में ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये जो कंपनी है कंधारी बीवरेजेस, पहला दिन ही एप्लीकेशन आ गया कि भाई हम लोग करना चाहते हैं। और ऐसा कम कंपनीज है, कमर्शियल कंपनी, जो चैरिटेबल के लिए इतना जल्दी तैयार हो जाते हैं। आपने देखे, ट्रेंड डॉक्टर्स, ट्रेंड नर्सेस, ऑक्सीजन उनका अपनी कंपनी से लेके, एक तो इतना बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर है कि वो 10 दिन तक लास्ट करेगा। ये हमें इतना बड़ा मदद है, ये शहर के लिए, एंटायर रीजन के लिए एक एसेट है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कंपनी को कि इन लोगों ने इतना हिम्मत दिखा के। हमारा रिटायर्ड जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर दीवान भी इनसे एसोसिएटेड है। इसका मतलब है कि मेडिकल केयर भी प्रॉपर सुपरविजन में होगा। तो हम आभारी है आपका कि आपने हमें चांस दिया, सरकार के साथ दिया। दोनों मिलकर ही ये लड़ाई हम जीतेंगे, गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकता है। लोग कहते हैं कि पीपीपी मॉडल, इसका प्रचंड उदाहरण, बेस्ट उदाहरण तो ये है। यहाँ कोई भी पेशेंट कहीं से भी आ सकता है, सीधा एडमिट हो सकता है। आज का तारीख में आप चले जाइए, बाकी जगह देखिए, बैंगलोर देखिए, महाराष्ट्र देखिए, उड़ीसा देखिए, जहाँ से मैं आता हूँ, या दिल्ली देखिए, एक एक ऑक्सीजन बेड के लिए लोग तरस रहे, मिल नहीं रहा। इन लोगों की दया से, कोऑपरेशन से, अभी 100 बेड अभी चंडीगढ़ में अवेलेबल है, जहाँ कोई भी आदमी सीधा टैक्सी पकड़ के डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके पहुँच जाए, हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा, अगर लगेगा कि उनको एडमिशन चाहिए, यहाँ हो जाएगा। कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसके चलते लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी के चलते अस्पतालों में बेड्स की कमी सामने आ रही है। ऐसे में चंडीगढ़ में खुला यह 8वां कोविड सेंटर चंडीगढ़ वासियों के लिए राहत भरी खबर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।